कायद अजम क्यों पैदा हुए? फिर तर क्या है? कान से निकाल के खाते हैं। कान से? कान मगज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर नकवी। तो आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ किला अहमदाबाद में आवाम से पूछने फ़नी फ़नी सवाल और कॉमन सेंस वाले सवाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम। नईम भाई, मैं एक सवाल बताएं, वो कौन सी जो कान से निकाल के खाते हैं? वो तो कान से निकाल के खाते हैं। कान से निकाल कुछ भी नहीं खाते। कान पता नहीं नहीं पता, इतनी आसान चीज़ है यार, नहीं पता। कौन सी क्लास में हो? सिर्फ 10 में। 10 के बाद क्या किया? 10 के बाद 12 किए हैं। 12 किए हैं? आपको पता ही नहीं कान से निकाल के खाते हैं? नहीं। अस्सलामुअलैकुम किन सब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो आज आपको पता तेल की कीमत बढ़ गई है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, आपको क्यों फर्क पड़ता? क्योंकि हमने 100 का ही डलवाना है। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा पेट्रोल आज महंगा हो गया खैर ही। ठीक है, कर दे की कर दे आज मसरूफ आज काम करना। वो कौन सी चीज़ जो कान से निकाल के खाते हैं? वो पता नहीं जनाब। कान से निकाल के खाते हैं? कान से? कान मगज। मगज अच्छा खान साहब बताएं, कायद आजम कब पैदा हुए? कायद आजम? कायद आजम 1900 पता नहीं है। यार रसूलल्लाह वसल्लम अलैका यार हबीबल्लाह। कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल शादी, सरकार दी गल करिए बन जाए गल शादी नी, सरकार दी गल करिए। ते मैंने दसो पाकिस्तान किने बनाया सी? मैं बनाया है। मेरे जी वे चार बंदे खोते कल्ला कल्ला खाई जाना, वे शर्म नहीं आंदी तेनू? आप देख सकते हैं रात की न्यूज़ सुनी है कि पेट्रोल 285 रुपए लीटर हो गया। नहीं आपने गलत सुना है, 285 नहीं 250 रुपये लीटर और बल्कि 249 रुपये हुआ है। ये भी काफ़ी महंगा हो गया है, आम आवाम के लिए तो बहुत महंगा है। ये इससे पहले भी हो चुका है 200-250 रुपये, लेकिन फिर कम हो गया था। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, तो हमें तो अब आवाम को ही नहीं बल्कि ख़ास लोगों को भी, हुक्मरानों को भी अब कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ कि अब इमरान ख़ान को अपोजिशन के साथ हाथ मिला लेना चाहिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कि कम अज़ कम तमाम पार्टियाँ इकट्ठे होकर इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, वरना हमारा हाल भी सोमालिया, युगंडा और श्रीलंका जैसा हो सकता है। जी ठीक है, थैंक यू। तो मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ जो कान से निकाल के खाई जाती है? कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाई जाती है? कान से निकाल के खाई जाती है? आई डोंट नो। इतनी आसान है? कान से निकाल के खाई जाती है। कान से निकाल के खाई जाती है? कान से निकाल के खाई जाती है। कान से तो वैक्स ही निकलती है यार। बंकात एक जुबान जुबान कान से निकलती है?
बात नहीं। किस किस की कान होती है ये भी तो देखे ना, कान से निकाल के खाई जाती है। हाँ भाई नहीं पता। नहीं सॉरी यार, नमक की कान, नमक नहीं। हाँ हाँ भाई वाकई कान से निकलता है नमक, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान असलम। उस्मान भाई हमें बताएं वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाते हैं? वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाते हैं? जी बहुत आसान चीज़ है। ये वाले कान से कान निकाल के खाते हैं, कान से निकाल के खाते हैं। नहीं पता? नहीं आई डोंट नो। एक सवाल बताएं हमें। मैं नहीं। अच्छा वो कौन सी चीज़ जो कान से निकाल के खाते हैं? कान से मैल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खा रहे हैं? माल्टा। केले? केले भाई आप भी खाएं। खाते हैं अभी, अभी बैठ के खाते हैं। एक क्वेश्चन बताएं। हाँ जी। वो कौन सी चीज़ कान से निकाल के खाते हैं? कान से निकाल के खाते हैं। बताएं। नहीं भाई बताएं। नहीं सही बात पता। कान से निकाल के खाते हैं। हाँ कान से निकाल के खाते हैं। पता नहीं भाई। नहीं पता? अगर मैंने बता दिया तो मुझे एक माला खिलाना। सारे यार आप। नहीं बताएं। नहीं बताएं। नमक की कान। नमक की कान सही सही है। ठीक खाते हैं कान से निकाल के नमक। अब ठीक हो गया। हम इनसे मालडा खाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपने किया हुआ है? हाँ मैंने किया हुआ है। बेल आइकन प्रेस की? हाँ वो भी। कादन कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? ओए होए ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार आपने। शाहजी मैं बताएं वो कौन सी चीज़ जो कान से निकाल के खाते हैं? वो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ना पता, आप बता दें। क्या करते हैं आप? आप बता दें। नहीं आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक का। मैट्रिक का स्टूडेंट? पता नहीं कान से निकाल के क्या खाया जाता है। नहीं मैं नहीं बता सकता। अगर से सवाल पूछते हैं, अगर वो बताएं वो कौन सी चीज़ जो कान से निकाल के खाते हैं? क्या? कान से निकाल के खाते हैं। कान से निकाल के खा लेते हो? ऐसे सवाल रोड पे नहीं करते, थोड़ा साइड पे आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अरे ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फाइन ठीक ठाक। तो मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाई जाती है? कान से निकाल के खाई जाती है? कान से निकाल के कोई चीज़ नहीं खाई जाती। कान से निकाल के खाई जाती है? नहीं खाई जाती। नहीं खाई? खाई जाती है। नहीं खाई जाती। कान लगा ले मेरे साथ। कान से निकाल के नहीं खाई जाती चीज़। शर्ट लगा ले। नहीं शर्ट लगाने? आप भी खाते? आप खाते होंगे? आप भी खाते हैं? मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊँ? हाँ बताएं। नमक की कान होती है ना? ठीक ठाक खड़े हो जाए जनाब, मिले गले मिले। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ला रहे हो? कोई बात नहीं। हमें बताएं अगर आपको एक दिन के लिए वजीर अजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो बने हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने क्या करना है? आप बातें तो कर रहे हैं, मुल्क को कैसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस यही कहा है कि बस मुल्क के खुदारा मुल्क की खातर देखे मुल्क को। आप बने ना वजीर तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी नहीं करूँगा भाई, मैंने। अच्छा चले मुझे एक क्वेश्चन बताएं, वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाते हैं? कान से? किस कान से? कौन से कि कौन से कान से? कान से निकाल के खाते हैं। मुझे नहीं पता भाई, आप कितने इंटेलिजेंट सवाल कर रहे हैं मुझसे। अच्छा आप जोक ना मारे, आप इसके बाद के बात करें। अच्छा, कि महंगाई के बारे में। कायद आजम का पैदा हुए यार? उसको छोड़ो यार, जो वो हम चाह रहे हैं कि आवाम ना महंगाई की वजह से, क्योंकि आज का जो हालात है हर बंदा परेशान है, तो हम कह रहे लोगों को थोड़ा हंसाएं, खुल के हंसें, वो खुश रहे जरा। वो खुश नहीं हो सकता, वो खुश तब होगा जब वो कहेंगे यार पेट्रोल नहीं बढ़ा। वो आवाम खुश हो जाएगी नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा है तो ये तो खुशी का नहीं है क्या जो कर लिया? ये मसनूई खुशी है। तो मसनूई खुशी नहीं है, दे रहे ना खुशी, दे रहे मसनूई खुशी, दे रहे हम मसनूई खुशी नहीं चाहिए, हमें कोई हकीकी खुशी चाहिए। वाह 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 वाह। अगर आपको वजीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले जो है ना गरीब आवाम को रिलीफ दूंगा,
घी चीनी आटा फ्री हो जाएगा समझे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। अच्छा शफीक साहब, मुझे बताएं यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? बस जी, गरीब आवाम की जान कढ़न डे ने, अगे ही मार्केटां दे हाल कोई नहीं, ऐ साढ़े सामने ठेले ते स्टाल लगे ने, कोई हिसाब नहीं, दुकान ते कोई गाहक आउंदा नहीं पिया, गरीब पिस रहा है। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सारी जिंदगी नहीं वज़ीर-ए-आज़म बनांगा। वाह क्या सीन है। क्यों भाई, यह मुल्क की मईशत अगे डिगी, इतने मरना किसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आज ये जो महंगाई हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आवाम पे महंगाई बम गिरा दी इन्होंने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो होती रहती है, तो हमारा बमूल बन चुका है। जी जी, ऐसे ही पाकिस्तान में ये कभी नहीं कोई चीज़ नीचे आई, ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये ऊपर। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, आप किसको? जो अच्छा लीडर होगा चुन लेंगे इंशाल्लाह। तो बताएं, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना? मैं दुकानदारी ठीक हूँ। नहीं, ये तो ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाई जाती है? जुबान। जी तो फरहान भाई, हमें बताएं कायद आज़म कब पैदा हुए? कायद आज़म 25 दिसंबर को। कब? सन थी 1965 कर रहे। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, लगता है आज काफी कमाई हुई है, बड़े नोट पकड़े हुए हैं। कमाई कादी होनी है भाजी, मंदे भेज ने, तूफान लग गईयां ने, ओ तो महंगाई ने लक तोड़ छड़े ने लोगों दे। आज पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल भी जनाब 50-55 रुपए दसन डे ने महंगा हो गया, तो हूं तो गड्डिया चलानिया ही बंद कर छड़िया ने। आप बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं भाजी पूरे पाकिस्तान को अग ला देंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक शुक्र। क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान, और सुनाए ठीक हैं? अच्छा मुझे बताएं, वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाल के खाते हैं? वही चीज़ नहीं होती है, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, पता नहीं यार इसका क्या होगा। कान से निकाल के खाते हैं? कान से तो मगज ही होते, और क्या होगा। रुको जरा, सबर करो। हाँ मगज कान से निकलता है? ये कान से निकल जाते हैं ना मगज। हाँ वो खा लेते हैं? खाते नहीं ना, आपको ही पता होगा कैसा खाते हो। हम खाते हैं कान से निकाल के, क्या चीज खाते हैं? दिमाग। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? हम ये सब कुछ सस्ता करेगा, ये पहला। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपके? क्या नाम है आपका? अली रजा। अली भाई, अली भाई क्या काम करते हैं आप? यार मैं पुल पे बैठ के ना पूंडी लगा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, फुल इंजॉय हो रहा है, पर आज पूंडी इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही। और ये भाई नंबर अपनी जेब में डाल के ले गया है, लौड़दा पावा अख्तर लावा, लौड़दा पावा अख्तर लावा। पठान नसवा का काम क्यों करते हैं? क्यों इनका कौमी फल है ये वाला नसवा, इनका कौमी फल है, जन्नत की मिट्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। ठीक हो, क्या नाम है आपका? मुजीब। मुजीब, कहाँ का बना था? 14 अगस्त 1947। वाह वही तो अच्छी बात है। आएंगे, दो लाइनें सुना दे बस। बोला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने।